वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। तो लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में अपने एक से लेकर 32 क्वेश्चनों को कर लिया था प्रक्षेप के। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोबारा। 31वां क्वेश्चन है, ये लास्ट में कर लिया था, ये दोबारा देखते हैं इसको। कौन सा कोण प्रक्षेप मान्य नहीं है? तो हमें पता है नॉर्मली फर्स्ट और थर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो सेकेंड है वो मान्य नहीं है। तो यहाँ पर बी इसका राइट आंसर है। और अगर इंडिया में पूछे तो कौन सा हो जाएगा? प्रथम कोण प्रक्षेप। नेक्स्ट देखिए, सममितीय लंबाई वास्तविक लंबाई का कितना गुणा होती है? तो अगर बात करें कि सममितीय लंबाई जो होती है वो क्या होती है? 0.816 गुणा होती है किसका? वास्तविक लंबाई, जो पैमाने की वास्तविक लंबाई है उसका 0.816 गुणा। तो यहाँ पर राइट आंसर सी होगा। या इसको कैसे पूछा जा सकता है कि 81.6% होता है किसका? वास्तविक लंबाई का। या इसको लगभग 82% बोला जा सकता है। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कितना कम होता है? तो ये हो जाएगा लगभग 18% इसका कम, राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। और एक बात और देखिए, 0.816 जो 6 है इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको लिखा जाता है √2/√3 लिखा जाता है। तो यहाँ पर यह भी लिखा जा सकता है कि सममितीय जो लंबाई है और वास्तविक लंबाई है उनका अनुपात क्या होता है? √2/√3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, सममितीय मापनी की सहायता से परिवर्तित किया जा सकता है वास्तविक लंबाई को सममितीय लंबाई में या सममितीय लंबाई को वास्तविक लंबाई में? तो अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, जो उसमें क्या है, वास्तविक लंबाई को हम 0.816 से गुणा करते हैं तो हमें सममितीय लंबाई या सममितीय मापनी मिलती है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वास्तविक लंबाई को हम सममितीय मापनी या लंबाई में चेंज करते हैं। तो ए ऑप्शन सही है। अगला देखिए, सममितीय वृत्त आकृति में होता है। ये एक वृत्त है, बस इतना सा ध्यान रखिए। सममितीय कब होगा? जब इसको हम थोड़ा इसे झुका कर देखेंगे तो ये किस तरह बनेगा? इस तरह से हमें बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये क्या हो जाएगा? दीर्घवृत्त या एलिप्स की शेप होगी इसकी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए, अगर इसी में हम बात करते हैं, एक जो आयत है इसका सममितीय व्यू क्या होगा? तो आयत का सममितीय व्यू होता है समांतर चतुर्भुज, क्योंकि आयत को थोड़ा एंगल पर झुकाएंगे तो समांतर चतुर्भुज बनता है। और एक वर्ग का सममितीय व्यू क्या होगा? सम चतुर्भुज होता है, क्योंकि इसको एक एंगल पर झुकाते हैं तो सम चतुर्भुज बनता है। नेक्स्ट देखिए, सममितीय वृत्त को कितने विधि द्वारा बनाया जा सकता है? तो इसे दो विधि द्वारा बनाया जाता है, आर्क विधि और ऑफसेट विधि, दो विधियों से इसे बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, विधियां ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें क्या करना होता है बस इतना ध्यान रखिए। अगला है प्रीप्रेक्ष्य प्रक्षेप, सामान्यतः कितने स्टेशन पॉइंट वाला होता है? प्रीप्रेक्ष्य का मतलब है पर्सपेक्टिव व्यू, जिसमें इस तरह से अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो इधर से देखने पर इसकी लाइनें यहाँ पर मिलती है और यहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती है। और इसका सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है। तो ये क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिविल इंजीनियरिंग में किस व्यू का यूज़ किया जाता है? पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप का। जो रोड कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें वो मेज़र करने वाले खड़े रहते हैं, आपने देखा होगा, ट्राइपॉड स्टैंड लेकर। और एक रोड का एग्जाम्पल भी इसी का है, परिप्रेक्ष्य प्रक्षेप। अगर किसी सड़क या ट्रेन की पटरियों को देखा जाए तो वो दूर जाकर मिलती हुई दिखाई देती है। तो इसमें हमें पूछा गया है कि कितने स्टेशन पॉइंट वाला होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? एक या दो पॉइंट उसके होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया वो लाइनें कहाँ पर जाकर मिलती हैं। और इसमें जो प्रोजेक्टर लाइन है वो समांतर भी नहीं होती, बाकियों में सब में समांतर होती है। अगला देखिए, लंबकोणीय प्रक्षेप में कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं? अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कि कम से कम कितने व्यू खींचे जाते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दो होगा, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू। अगर कोई जटिल संरचना है तो उसके लिए हम तीन व्यू यानी कि साइड व्यू और बनाते हैं। नेक्स्ट देखिए, लंबकोणीय प्रक्षेप है वो BIS माप प्रणाली द्वारा क्या है? मान्य है। सत्य है या असत्य? तो ये सही बात है, इनको मान्य किया गया है। और लंबकोणीय प्रक्षेप क्या है? एक प्रकार की टेक्निकली इसका यूज़ किया जाता है। अगला देखिए, 40 नंबर क्वेश्चन, सममितीय मापनी में अनुपात क्या होता है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो सममितीय मापनी में आप देखिए, सममितीय लंबाई बट्टे क्या होता है? वास्तविक लंबाई। हमें जो 0.816 का मान मिला था वो कैसे मिला था? गुणा में इसके क्या था? वास्तविक लंबाई।
और बराबर में क्या था, सममितीय लंबाई। आप यहाँ से ऐसा करिए, वास्तविक लंबाई को इसके बट्टे में लिखेंगे हम, तो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, सममितीय लंबाई बट्टे वास्तविक लंबाई इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, चित्र को पहचानना है कि ये क्या है, ये रेफरेंस लाइन है और इसको 30 डिग्री ऊपर एक लाइन खींची गई है, ये है 30, तो ये यहाँ पर एक लाइन रेफरेंस लाइन है, फिर एक 30 डिग्री पर लाइन खींची गई है ये देखिए, और फिर एक 45 डिग्री पर लाइन खींची है, तो ये लाइन जो बड़ी वाली लाइन है ये किसको दर्शा रही है, वास्तविक मापनी या वास्तविक लंबाई को, और ये लाइन जो दूसरी है वो सममितीय लंबाई या जो सममितीय पैमाना है उसको। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सममितीय मापनी को दर्शा रहा है ये, तो सी इसका क्या है सही आंसर है, सी, सममितीय लंबाई नहीं है ये, क्या है सममितीय स्केल है, ये देखिए ये इससे कम लेंथ का बन रहा है, और एक प्रश्न ये बनता है कि वास्तविक जो पैमाना होता है उसके और जो सममितीय पैमाना है उनके बीच में कितने डिग्री का कोण होता है, तो आप देखिए कि पूरा कोण है वो 45 है और ये कोण है 30, तो इन दोनों के बीच कोण क्या आ जाएगा, 15 डिग्री, यहाँ पर राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सममितीय आइसो का मतलब क्या होता है, सममितीय का मतलब होता है हमेशा इक्वल, जहाँ भी आइसो लगा है इसका मतलब है इक्वल। नेक्स्ट देखिए, अगर हमें पूछा जा रहा है ISI तो वो क्या हो जाएगा, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। अगला देखिए, यदि सममितीय प्रक्षेप्य में सममितीय रेखाएं छोटी न करें तो अनुपात में कितना बड़ा होगा, तो ये हमें बताना है इसका, तो ये देखिए किस तरह से इसका राइट आंसर हम फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सममितीय लंबाई बट्टे वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या होता है, 0.816, या इसको क्या लिख सकते हैं, √2/√3। हमें यहाँ पर कहा गया है कि रेखाएं छोटी ना करें, तो देखिए पहले √3 थी और हमने इसको क्या कर दिया, √2 कर दिया, ठीक है, तो अगर ये छोटी ना करें तो अनुपात कितना बड़ा होगा ये हमें देखना है, मतलब अगर हम इसका जो मान है वो √3 ही लेते हैं तो ये कितना बड़ा होगा, किससे, √2 से, इसको जब गुणा 100 करके प्रतिशत फाइंड करेंगे तो ये आएगा 122.5, तो ये देखिए 100 से कितना बड़ा है, 22.5%, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22.5% है वो अनुपात क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, सममितीय वृत्त में प्लॉटिंग विधि के सर्वप्रथम क्या बनाया जाता है, तो इसमें क्या बनाते हैं, सबसे पहले एक वर्ग बनाया जाता है फिर उसमें वृत्त को बनाते हैं, तो बी इसका राइट आंसर है। इन क्वेश्चनों को आप सीधा देख लीजिए, ज़्यादा थ्योरी इसमें ज़रूरी नहीं है। नेक्स्ट है, सममितीय पिरामिड को कितने विधियों द्वारा बनाया जाता है, जो सममितीय पिरामिड है उसको भी दो विधियों से बनाएंगे, एक तो बॉक्स विधि हो जाएगी उसमें बंद कर दिया जाता है, और एक दूसरी और विधि होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 46 नंबर क्वेश्चन क्या है, सममितीय पिरामिड में बॉक्स विधि में ऑफसेट को एक किस में बनाया जाता है, आयताकार में बनाते हैं, आयताकार एक बॉक्स होगा इस तरह से, ऊंचाई होगी उसकी बॉक्स की, तो इसके अंदर बनाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी ऑब्जेक्ट का HP पर लिया गया व्यू कौन सा होता है, तो HP पर हमेशा कौन सा व्यू बनता है, अगर इस तरह से HP और VP है हमारे पास तो इस HP पर हमेशा कौन सा व्यू बनेगा, ये है HP, तो इस पर हमेशा टॉप व्यू ही बनता है, और VP पर कौन सा बनेगा, हमेशा सामने से देखेंगे तो सम्मुख दृश्य, या इसको हिंदी में उच्छेद भी लिखा आ सकता है, तो फ्रंट व्यू हमेशा VP पर और जो टॉप व्यू है वो बनता है HP पर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यहाँ पर 47 का ए राइट आंसर हो जाएगा, टॉप व्यू। नेक्स्ट है, चित्रीय प्रक्षेप्य होता है, जो पिक्टोरियल ड्राइंग होती है वो किस प्रकार की ड्राइंग है, 2D है, 3D है, 4D है, तो किस प्रकार की होगी, 3D, हमें कैसे याद रखना है, देखिए जो ओब्लिक है आइसोमेट्रिक है वो सभी इसी के भाग हैं, तो ये 3D ड्राइंग होती है। नेक्स्ट है, लंबकोणीय प्रक्षेप्य में न्यूनतम कितने व्यू खींचे जा सकते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, हमें यहाँ पर क्या पूछा गया है, व्यू का पूछा, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, न्यूनतम अगर पूछे तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, 2 होगा, और अधिकतम अपने 3 बनाते हैं, एक व्यू और लिया जाता है एक्स्ट्रा जिसका नाम क्या होता है, साइड। नेक्स्ट है, 50 नंबर क्वेश्चन, किसी वस्तु का प्रक्षेप यानी कि प्रोजेक्शन लेने के लिए निम्नलिखित में से किस तत्वों की आवश्यकता होती,
तो अगर इस क्वेश्चन में अपने देखें तो किन किन तत्वों की आवश्यकता होगी। ऑब्जेक्ट जिसका हम प्रक्षेप बना रहे हैं, प्रक्षेप पे समतल मतलब जिस पर वो बन रहा है, प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन, और प्रोजेक्टर मतलब जो लाइनें उस प्रक्षेप व्यू पर जो पड़ती है, समतल पर पड़ती है, वो कौन सी हो जाएगी? प्रोजेक्टर। तो इन तीनों की जरूरत होती है, तो इसका राइट आंसर सभी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, ऊर्ध्वाधर समतल को क्या कहा जाता है? जो ऊर्ध्वाधर समतल है इनको हम क्या कहते हैं? इनको रेफरेंस यानी कि संदर्भ प्लेन या प्रिंसिपल प्लेन भी कहा जाता है। तो रेफरेंस प्लेन और प्रिंसिपल दोनों इनको कहा जाता है, तो ए और बी इसका राइट आंसर होगा। जो एचपी है उसको भी हम रेफरेंस प्लेन कहते हैं और प्रधान प्लेन भी कहा जाता है, दोनों प्रकार के ये जो प्लेन है। तो हमारे पास मुख्य दो प्रकार के रेफरेंस प्लेन या प्रधान समतल होते हैं, एचपी और वीपी। नेक्स्ट देखिए, ऊर्ध्वाधर समतल पर लंब कोणीय प्रक्षेप में समांतर रेखाएं लंब होती है, तो किसके ये लंबवत होगी? ऊर्ध्वाधर समतल के। ऊर्ध्वाधर समतल का मतलब है यहाँ पर ये क्या है? वीपी है। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है इस तरह से, तो यहाँ से जो लाइनें इस पर गिरेगी इस तरह, तो ये क्या होगी? इस वीपी के लंबवत होती है, जो कि क्या है? ऊर्ध्वाधर समतल है। नेक्स्ट देखिए, लंब कोणीय प्रक्षेप में वस्तु या ऑब्जेक्ट को किस चतुर्थांश में होना जरूरी है, ये हमसे पूछा गया है। तो जो कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट है वो किसी भी चतुर्थांश में हो सकती है, और हम उसके क्या करेंगे? व्यू बनाएंगे। नेक्स्ट देखिए, एचपी और वीपी को साइड से देखकर किस व्यू में लेने पर प्लेन चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? साइड व्यू। फ्रंट व्यू और टॉप व्यू तो हम बनाते हैं, और साइड व्यू और लें तो चार रेखाओं में परिवर्तित हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सभी टेक्निकल ड्राइंग को किस प्रक्षेप्य में बनाना चाहिए? तो इंडिया में यहाँ पर बात हो रही है कि नॉर्मली कौन सा अपनाया जाता है, तो प्रथम कोण इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, 56 नंबर क्वेश्चन क्या है? डैश में ऑब्जेक्ट को प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के बीच में रखा जाता है, कौन से में? प्रथम कोण में, तृतीय में, द्वितीय में या चतुर्थ में? तो इसको कैसे ये होता है वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। इस तरह से अगर ये वीपी है हमारा, और ये क्या है? एचपी, हॉरिजॉन्टल प्लेन है। अगर यहाँ पर कोई वस्तु है और यहाँ से उसको क्या किया जा रहा है? देखा जा रहा है यहाँ से। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर क्या है? ऑब्जर्वर है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑब्जर्वर है, और ये क्या हो जाएगा? प्लेन है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो वस्तु है या जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बीच में है। किसके? प्लेन के और ऑब्जर्वर के बीच में है। तो यहाँ पर तो वस्तु बीच में है, और हमें पूछा गया है कि ऑब्जेक्ट है वो प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन और ऑब्जर्वर के क्या है? बीच में है, मतलब यहाँ पर सही है, तो इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये हमसे ऐसे कहता है, थर्ड एंगल की बात करें, तो थर्ड एंगल किधर बनेगा? इस तरह यहाँ पर बनता है। तो हम इधर से इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये है प्लेन है, यहाँ पर वीपी है, यहाँ पर वो वस्तु है। तो यहाँ पर जो प्लेन है प्रोजेक्शन का वो बीच में होता है, किसके? वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में, तो वो हो जाएगा थर्ड एंगल। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन यही है कि किस एंगल में प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है वो ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में होता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? तृतीय कोण प्रक्षेप में बीच में होगा। नेक्स्ट देखिए, सममितीय पिरामिड में बॉक्स विधि द्वारा किन वस्तुओं के सममितीय प्रक्षेप बनाए जाते हैं? तो उन्हीं के बना सकते हैं जिसे आयताकार बॉक्स में क्या किया जाता है? सुविधापूर्वक बंद किया जा सके। एक आयताकार इस तरह से बॉक्स होगा यानी कि घनाभ होगा, घनाभ, इसमें उस पिरामिड को क्या किया जाता है? जैसे अगर स्क्वायर पिरामिड है तो इसको इस तरह से इसमें पहले बंद किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, 59 नंबर क्वेश्चन है, अनुलंब विधि में अनुलंब लेकर सममितीय क्या बनाए जाते हैं? सममितीय दृश्य बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस कोण प्रक्षेप्य में प्रोजेक्शन प्लेन को पारदर्शी माना जाता है? तृतीय, द्वितीय, प्रथम या इनमें से कोई नहीं? तो कौन से में हम मानेंगे वो देखिए। तो इस तरह से हमारे पास वीपी है और ये एचपी है। वीपी में तो यहाँ पर होगा ऑब्जेक्ट, तो इधर से हमें दिखाई दे जाएगा सब कुछ, टॉप भी इसका दिखाई देगा। पर अगर मान्य कौन से हैं, फर्स्ट और थर्ड, तो फर्स्ट में तो हमें दिखाई देता है। अगर वस्तु यहाँ पर है तो इधर से देखने पर हमें दिखाई नहीं देती, इसलिए हम क्या करेंगे? इन प्लेन को पारदर्शी मानेंगे ताकि हमें दिखाई दे जाए। तो इसका राइट आंसर ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन क्या है, वस्तु का प्रक्षेप
खींचने के लिए वस्तु के किनारों से प्रक्षेप तल पर रेखाएं खींची जाती है। किस तरह से, ये एक वस्तु है यहाँ पर मान लो 3D इस तरह से, तो इधर से देखने पर क्या होगा, यहाँ इसकी ऐसे डैश डैश लाइनें जो जा रही है यहाँ पर इस तरह से, जो छाया बनती है प्लेन पर वो एक लाइनों के माध्यम से वहाँ पर जा रही है, तो उन लाइनों को हम क्या बोल देंगे, सरल रेखाएं होती हैं वो। नेक्स्ट देखिए, सममितीय मापनी में वर्गाकार फलक के का जो आकार होता है वो किस तरह से होता है। सममितीय मापनी में हमें पूछा गया है कि एक वर्ग है उसका सममितीय व्यू कैसे बनेगा, तो वर्ग का क्या बनता है, समचतुर्भुज बनता है, ये मैंने आपको बताया था, वृत्त का दीर्घवृत्त और आयत का समांतर चतुर्भुज। नेक्स्ट है, जब सममितीय प्रक्षेप बनाते हैं तो वास्तविक लंबाइयों को किस लंबाई में परिवर्तित करना आवश्यक होता है, तो वो सममितीय लंबाई में चेंज करना होगा। यहाँ पर सममितीय मापनी भी दिया गया है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हमें लंबाई पूछा है तो क्या आ जाएगा, सममितीय लंबाई, अगर पैमाना पूछता तो सममितीय मापनी हो जाता। नेक्स्ट देखिए, सममितीय दृश्य बनाने में सरलता होने तथा ड्राइंग से सही विमाय नापने में सुविधा होने के कारण आजकल सामान्यतः किस मापनी का प्रयोग किया जाता है, तो किस मापनी का हम प्रयोग करेंगे, वास्तविक मापनी का ही प्रयोग किया जाता है ताकि आसानी रहे। नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन, सममितीय वृत्त में आर्क विधि में सर्वप्रथम क्या बनाया जाता है, तो इसमें सर्वप्रथम क्या बनाएंगे, ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, तो हम देखिए सममितीय वृत्त यहाँ पर पूछा गया है, हमें बनाना है सममितीय वृत्त यानी कि इलिप्स बनाना है, तो सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं, वो भी इस तरह से बनाया जाता है, तो ये क्या है, वर्ग का सममितीय दृश्य है यानी कि सम चतुर्भुज है यहाँ पर। तो इस तरह से ये प्रक्षेप के क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, उसके बाद अपने नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।